हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है, पोस्ट ऑफिस की भर्ती आई है, नई भर्ती आई है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 के लिए निकली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या इसके अंदर सैलरी मिलेगी, एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है और क्यों बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। और आप अगर हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल मैथ्स क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है, लेसन जिसका 2 है आज, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप भी इन क्लासेस को ले सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पर ही आपको ये सभी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, इनसे आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। गाइस, चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने पेज पर, गुजरात पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन 1856 GDS वैकेंसीज, 1856 पदों पर ये GDS की भर्ती निकली है पोस्ट ऑफिस के अंदर, जिसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2021 रखी गई है। गुजरात पोस्टल सर्किल रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई 1856 GDS वैकेंसीज, गुजरात में जो पोस्ट ऑफिस इनवाइट किया गया है इनको, और आप इनको मतलब 20 जनवरी 2021 तक भर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 21 दिसंबर 2020 से, तो 20 जनवरी 2021 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमार्टर ABPM और डाक सेवक है। कुल मिलाकर 1856 पदों पर ये भर्ती निकली है। कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेट ऑफ पोस्ट EWS के लिए 95 पद हैं, OBC के लिए 117 पद हैं, PWD ए कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, PWD बी कैटेगरी के लिए 9, सी कैटेगरी के लिए 12, DE कैटेगरी के लिए 1 पद है, SC कैटेगरी के लिए 121, ST कैटेगरी के लिए 274 पद और जनरल कैटेगरी के लिए कुल मिलाकर 480 पद रखे गए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग 21 दिसंबर से हुई थी, और जो आपकी एज है इसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है 3 ईयर्स का जो OBC कैटेगरी के हैं, या 5 साल का मिलेगा उनको जो SC ST कैटेगरी के लिए हैं, और 10 साल का इसमें मिलने वाला है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इसकी सैलरी क्या होती है, तो BPM के लिए 12,000 रुपये मिनिमम, TRCA के यहाँ पर देखें 4 आवर्स के लिए मिलेगा 12,000 रुपये, 5 आवर्स के लिए मिलेगा 14,500 रुपये। ABPM डाक सेवक की बात करें तो 10,000 रुपये है इसमें 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स की बात करें तो 12,000 रुपये रखी गई है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन विद द पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ डाक ग्रामीण डाक सेवक। इसका मतलब ये है आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और ये कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश को अपनी एज अ सब्जेक्ट उसमें चुना हो। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव द बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एटलीस्ट 60 डेज का आपके पास ये कंप्यूटर का भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए। एडिक्यूट मीन्स ऑफ लेवलीहुड ये भी आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका किया जाएगा सिलेक्शन। सो गाइस, ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है। OBC कैटेगरी मेल, EWS मेल, ट्रांसमैन कैंडिडेट्स, इन सभी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। पेमेंट ऑफ फी इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैटेगरी, ट्रांसवुमेन कैंडिडेट, ऑल SC ST कैंडिडेट और PWD के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सो गाइज, फाइनली वीडियो
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।